हाय एवरीवन, तो डायरेक्ट वीडियो से मैंने स्टार्ट कर दिया, नो हाय हेलो टाटा बाय बाय, डायरेक्ट टोनर, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करके अच्छे से मैंने चेहरे पर ये लगा लिया। मतलब करेंगे आज हम सपना चौधरी का इंस्पायर्ड लुक। आई होप यू लाइक दिस गाइस, एंड हाँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला, क्योंकि ये नो मेकअप मेकअप वाला लुक है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइनर दिखेगा आपको और कुछ भी नहीं दिखने वाला। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरे पास सेम इयरिंग थे। मैं बोलती हूँ ना कि मेरे को बस एक मौका चाहिए कि मेरे पास कोई एक सिमिलर चीज़ हो और मैं कर दूँ इंस्पायर्ड लुक, तो वही मेरे पास चांस था, मौका था, तो चलो करते हैं। तो ठीक है, स्किन केयर हो गया है बकायदा, अच्छे से आईब्रो को शेप देके अपने मैंने कर लिया है शार्प। अब जो यूज़ किया है प्रोडक्ट वो है 7CR कंसीलर, 136 का मिल जाता है। अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप फ्लिपकार्ट में जाके सर्च मारो और आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलर करेक्टर के लिए सिर्फ एक शेड लिया हुआ है कंसीलर का, थोड़ा सा मेरा कॉन्टोर से मिलता हुआ जलता शेड है एक लाइट, जिसको मैंने लगाया तो देखो पूरा अच्छे से मेरे स्पॉट्स हाइड हो गए हैं। इसको कर लेना है आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड, और उसको ना अच्छे से डीप कर लो पानी में, उसके बाद ही यूज़ करो। अब लगा रहे हैं हम फाउंडेशन अच्छी तरीके से करके, उसको हम अच्छी तरीके से फिर ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड 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 अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि हमारा बेस है एकदम नेचुरली दिखे, कि लगे ना ये ज़्यादा हैवी फाउंडेशन है। अब ब्यूटी ब्लेंडर जैसे यूज़ करना है ना वैसे यूज़ करो, बस पानी में डीप करके यूज़ करो, ठीक है। कॉन्डोर लिया है, थोड़ा बहुत लगाया है मैंने, जो लाइन को भी थोड़ा बहुत लगा लिया, तो नोज पे भी लगा लिया। तो अब सारे प्रोडक्ट्स में कर लूँगी पर ब्लेंड। अब कंसीलर लगा रही हूँ मैं ब्लेंड करने के बाद। अरे रे, तो अंडर आई एरिया पे लगाएंगे, माउथ के अराउंड लगाएंगे, फोरहेड पे, नोज पे लगाएंगे। बहुत अच्छे से कर लेना है ब्लेंड आपको, फाउंडेशन सारा ब्लेंड कर लेना है। सारी इजी सी स्टेप है, आपको जस्ट फॉलो करना है एंड आपको भी आ जाएगा मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा इजी। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग वीडियो देखता है, लेकिन हम ऐसे चूतिया जो डालते जा रहे हैं। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 7-6 महीने हो जाएगा मुझे वीडियो पोस्ट करते करते लॉन्ग वाली। मेरे तो मन करता है कि छोड़ दी लॉन्ग वाली डालना, बट ठीक है बनाती हूँ तो अब डालना तो पड़ेगा ही ना। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नेकलाइन पर भी लगाया है, सब लोग कौन देखता है, कोई नहीं देखता, पर फिर भी हम बड़बड़ करेंगे तो गाइस। बट आई होप आपको अच्छा लगे लुक, नहीं अच्छा लगा क्या कर सकती हूँ। आई ब्रज को फील किया है, उसके बाद मैंने और फिल किया, उसके बाद मैंने और फिल किया और फिल किया, फिल करते गई मैं। आई शेडो के लिए एक ब्राउन शेड लिया, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया एज अ आई ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने। फिर उसके बाद क्या करना है, कंसीलर लेना है, कोई भी कंसीलर हो उसको आपको कटरेस ड्रॉ कर देनी है, उसके ऊपर शिमरी शेड ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छा सा एंड ईजी कट क्रीज आई मेकअप है ये वाला। अब देखो मैंने यहाँ पे ना उसको बहुत छोटे से ब्रश से आपको डिफाइन करना है ताकि वो एकदम क्लीन लुक दिए कंसीलर का। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमरी शेड यूज़ किया है थोड़ा सा क्रीमी वाला, तो देखो हो गया आई मेकअप। अब उसके बाद लाइनर लगा रही हूँ मैं, पहले विंग बना लेती हूँ लाइनर की, फिर धीरे 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 उसे स्टार्टिंग के पॉइंट तक लेके जाना है, और फिर जो हमारी सेंटर लाइन है उससे जोड़ देना है विंग को। इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये लग जाता है लाइनर। आपको बस थोड़ी सी स्टेप्स फॉलो करनी है और आपको बस प्रैक्टिस करना है, लाइनर आपको आ जाएगा इजीली ड्रॉ करना। उसके बाद मैंने कलर यूज़ किया है नो मेकअप मेकअप ब्लू के, तो ऑब्वियसली लैशेस तो लगाएगी नहीं ना, वैसे हम घर में रहते हैं ना समझ लो वैसा दिखेगा। बस लाइनर जैसे किसको ज़्यादा पसंद लगाना तो वो मोटा सा लाइनर दिखने वाला है बस। उसके बाद वाइट कलर का काजल, अब नो मेकअप लुक है तो काजल भी कैसे दिख सकता है, इसलिए वाइट लगाने वाले कि ज़्यादा ना दिखे। उसके बाद हम करेंगे लोअर लैशेज को भी आई शेडो से कलर, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्लश, इतना हल्का कि कोई देख ना पाए कि ब्लश लगा हुआ है, बस हम जब हंस के गाल उठाएंगे तो हल्का सा पिंकू पिंकू दिखेगा, बस इतना दिखने वाला है, उतना ही लगाना है। उसके बाद हो चुका है ब्लश, उसके बाद मेकअप फिक्सर उठा लो और फिक्स कर लो मेकअप, ठीक है। अब लिपस्टिक भी इतनी नाखून के बराबर लगा के मैंने स्मच कर लिया है कि दिखे बिना कि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, इतनी फिक्की लगानी है आपको लिपस्टिक, ठीक है। अब बारी है लिप लाइनर की,
क्योंकि इतना हम फाउंडेशन कंसीलर पाउडर लगा दिए क्योंकि हमारे लिप्स का शेप इधर उधर हो जाता है, तो उसको आपको लिप लाइनर से अच्छे से शेप देने की ज़रूरत है ना, तो वही किया मैंने यहाँ पर। अब थोड़ा सा हाइलाइटर लगाओ कि दिखे ना, तो मैंने ये वाला आई शेडो पैलेट हाइलाइटर पैलेट लिया जिसकी बहुत ही कम क्वांटिटी दिखती है हाइलाइटर लगाने में, तो वही लगाया मैंने। अब ये कुछ फाइनल सा लुक बताओ मुझे कैसा लगा आपको ये लुक। ठीक है, मेरे पास इयररिंग सेम थे मैंने पहने और बिंदी भी हरी हरी लगा ली थी जैसे दिख रही थी सपना चौधरी को थोड़ा डांस करते हुए। बताओ कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जानने आप प्लीज़। मिलते हैं, बाय।